ओके जी, हेलो एवरीवन। आज से जो हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है उसका क्या नाम है? गिट और गिटहब। अब गिटहब को समझने से पहले हमें गिट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और गिट को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा VCS। अब ये फुल फॉर्म इसका क्या होता है? वर्जन कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। अब ये जो आपका VCS है इसको अंडरस्टैंड करने से पहले अब हमें MS Paint में आना पड़ेगा। कई साल पहले IT इंडस्ट्री में कोई भी प्रोजेक्ट, अगर कोई भी आपका प्रोग्राम है, कोई भी एप्लीकेशन है, उस पर कोडिंग कैसे होती थी? एग्जाम्पल, ये हमारा एक ऑफिस है और इस ऑफिस के पास एक प्रोजेक्ट आया, एक क्लाइंट आया कि आपको ना हमारे लिए ना एक एप्लीकेशन को क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमारी टीम में एग्जाम्पल ये चार इंप्लॉइज हैं, 1, 2, 3, 4। हमने कहा ये हमारे ऑफिस के डेवलपर्स हैं, ठीक है, इनका काम है सिर्फ कोडिंग करना बस। अब IT इंडस्ट्री में कैसे काम होगा? क्योंकि ये एक प्रोजेक्ट है और ये एक एज अ टीम है, तो इनको हमने क्या कहा कि ये जो एप्लीकेशन है इसका आधा पार्ट आपके अंडर में, आधा पार्ट इधर, आधा पार्ट इधर, और जी आधा पार्ट इधर। तो अब यहां पर एक ने अपनी कोडिंग स्टार्ट करी, ठीक है। अब एग्जांपल, ये मैं आ जाता हूं एक फाइल पर। हालांकि जो कोडिंग होती है उसके लिए अलग टूल होता है, बट आपको अंडरस्टैंड हो जाए इसलिए मैं एक फाइल पे आ जाता हूं। एग्जाम्पल, ये हमारे ऑफिस का एक एम्प्लॉय है और इसने आज की डेट में एक कोड टाइप किया। एग्जाम्पल, इसने टाइप किया दिस इज कोड 1, ठीक है, और इसने टाइप किया दिस इज कोड 2। एक्चुअली में कोडिंग का तो वे अलग है, तो वो तो अलग कोर्स होता है, ये बस आपको प्रॉपर अंडरस्टैंड हो जाए इसलिए मैं ऐसे आ रहा हूं, ठीक है। अब इसने इसको सेव किया और ये इसका सेव हो गया। एग्जाम्पल, गिव द एनी नेम, आई जस्ट गिव द नेम, जस्ट एग्जाम्पल कोड, ठीक है, और ये फाइल हमारी सेव हो गई। अब थिंग इज दैट कि अब जो हमारा ये जो एम्प्लॉय था, अब ये कल को आया और इसने इसको फिर से ओपन किया। इसने कहा कि ना ये कोड उतने अच्छे हैं नहीं, तो इसने इन सारे कोड्स को ऐसे हटा दिया। अब इसने टाइप किया दिस इज क्लाउड कोड एग्जाम्पल, ठीक है। अब कोड कोई एक दो तो होंगे नहीं, कोड तो कई सौ होते हैं और कोड को टाइप करने में बहुत टाइम हमारा खर्च होता है। अब इसने इसको सेव किया, ठीक है। अब ये उसके बाद अगले दिन आया, अब इसने इसको खोला, अब इसको ऐसा फील हुआ कि जो कोड हमने पहले टाइप जो हमारा हुआ था स्टार्टिंग में, वो कोड अधिक इफेक्टिव है कंपेयर टू दिस वन। अब सवाल आता है कि आपने उस कोड को तो हटाया था, अब वो कोड तो फिर से आएगा नहीं, तो ये एक प्रॉब्लम थी। तो फिर इसने क्या किया, इसने कहा कि ठीक है, अब इसने एक फोल्डर आया ये ऐसे एग्जाम्पल प्रोजेक्ट, ठीक है। अब इस फोल्डर पे इसने क्या किया, इसने कहा कि ठीक है, अब मैं पर डे आऊंगा और पर डे हमारी अलग अलग फाइल होगी। इसने इसको ओपन किया, एग्जाम्पल ये था इसका कोड 1 एग्जाम्पल, और इसने इसको सेव किया। इसने कहा कि ये है मेरा फर्स्ट कोड एग्जाम्पल, ऐसे इसने इस फाइल को अब इधर सेव किया। अब ये अगले दिन आया, फिर से इसने कोडिंग करी, इस बार इसने टाइप किया कोड 2, और फिर से इसने इसको सेव किया और इधर इसने टाइप किया कोड 2, ठीक है। अब ऐसे ही ये फिर से आया ऐसे, और इसने फिर से फाइल को ओपन किया और इसने फिर से टाइप किया कोड 3, और इसने इसको सेव किया और ये सेव हुआ इसका कोड 3 पर, ठीक है। अब ऐसे ही ये पर डे आता है और अपने अपने कोड इसने किए। अब जस्ट एग्जाम्पल, आहिस्ता आहिस्ता ये कोई आपकी 300-400 फाइलें हो गई। अब आप एक चीज को जरा अंडरस्टैंड करिए, अगर ये 300-400 फाइलें होंगी तो अगर इसको किसी भी टाइप का कोड अगर चाहिए होगा तो फिर तो इसको फिर से सारी फाइलों को खोलना पड़ेगा और फिर से इसको कोड चेक करना पड़ेगा। तो अभी इसके पास सारे कोड हैं, इसके पास सारे चेंजेस भी हैं, बट थिंग इज दैट कि 500 फाइल में कौन सा कोड किस दिन कौन सा सेव हुआ था, अब ऐसा इसको सर्च करना तो बहुत टफ जॉब हो गया।
तो आईटी इंडस्ट्री में पहले ऐसे ही काम होता था। अब इन्होंने क्या किया कि अब हर एक एम्प्लॉय के पीसी में 500 फाइलें हैं, ठीक है। अब हमने उससे कहा कि ठीक है, आप सब लोग अब एक काम करो कि जो भी आपका काम होगा वो अब इधर, एक हमारा ये रहा एक कंप्यूटर और ये रहा मेरा एक फोल्डर। इस फोल्डर को हमने सबके साथ ऐसे कनेक्ट किया, हमने ये कहा कि ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है अपने पास इस फाइल को सेव करने में, तो आप लोग ना पर डे होल डे आप लोग कोडिंग करो, और जब आपका कोड प्रॉपर हो जाए तो आप लोग इवनिंग में अपनी फाइल को इधर से इधर आप लोग अपलोड करना। अब जस्ट अंडरस्टैंड, ये जो मेरा पहला एम्प्लॉय है इसकी अलग से 500 फाइलें होंगी, अब जो अगला एम्प्लॉय है इसकी अलग 500 फाइलें होंगी, थर्ड का अलग 500 फाइलें होंगी, फोर्थ की अलग 500 फाइलें होंगी। अब थिंग इज दैट, अब इतनी सारी फाइलें हो गई, अब इधर आपकी 2000 फाइलें हो गई। अब इनको एक साथ अटैच करना, फिर इनको एक साथ कॉम्बो करना कितना टफ होगा। जॉब पहले बहुत टफ थी, तब आईटी इंडस्ट्री में आया आपका वीसीएस, वर्जन कंट्रोल सिस्टम। ये एक थर्ड पार्टी टूल होता है, ये एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर होता है। अब इसके आने से जो इतनी सारी फाइलें हो रही थी, इतने सारे चेंजेस हो रहे थे, वो आपके सेव हुए। कैसे हुए जी? अब एक ही फाइल होगी, अब फाइल सिर्फ एक ही होगी, एक एम्प्लॉय की एक ही फाइल होगी। अब ये आज आया, अब इसने आज अपना कोड टाइप किया और इसने इसको इसकी हेल्प से कमिट किया। इधर अभी एक आपका वर्ड आया है कमिट, आगे जब मैं कोर्स आहिस्ता आहिस्ता होगा ना तो ये आपको प्रॉपर अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो कमिट का अर्थ होता है कि इसने इधर जो भी आज चेंजेस हुए हैं इसने इसको सेव किया। अब ये कल आएगा, इसने फिर से काम किया और फिर से इसने कमिट किया, और अब ये परसों आएगा और जी फिर से इसने कमिट किया। अब इधर अगर ये इधर है और इसको अगर फर्स्ट कोड अगर चाहिए तो बस इसने इस कमिट आईडी को एंटर किया और ये इस वाले कोड पे आ जाएगा। मतलब हर एक चीज आपकी फाइल में ही सेव होगी, अब आपकी अलग अलग फाइलों पे काम होगा नहीं, और अब ये काम कितना आसान हो गया। जब आप इस कोर्स को पढ़ोगे तो आप खुद चेक करना कि इसके आने से काम कितना आसान हो गया। तो ये मैंने आपको पढ़ाया कि आपका VCS होता क्या है। अब मैं इनके ऊपर आ जाता हूं, तो अब मैं हिस्ट्री पे आ जाता हूं। आप सबको पता है कि जो लाइनेक्स है वो एक कर्नल है ना। जब इस कर्नल पे कोडिंग हो रही थी तब इसको इसके ऑनर कौन है? लाइनस टोरवाल्ड। तो इनकी टीम और इन्होंने इसके ऊपर कोडिंग स्टार्ट की थी। अब सेम इशू इनको भी आ रहा था, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी एक आपका वीसीएस पर इन्होंने काम किया। उस टाइम पर ना एक कंपनी है बिटकीपर, इस कंपनी का वीसीएस इन्होंने अपने इस प्रोजेक्ट में काम इन्होंने शुरू किया, ठीक है जी, काम स्टार्ट हुआ। लेकिन फिर हुआ क्या, इनके और जो बिटकीपर कंपनी है इनके बीच में ना कुछ ऐसा इशू हुआ कि बिटकीपर कंपनी ने अपने वीसीएस को इनके प्रोजेक्ट से हटाया। अब ये जब हटाया तो फिर इनको प्रॉब्लम आनी शुरू हुई, तो इन्होंने खुद का एक वीसीएस टूल क्रिएट किया। जो टोरवल थे इन्होंने खुद का एक टूल स्टार्ट किया और इसका नाम क्या है, गिट। गिट इन्होंने ही, इनका ही काम था, ठीक है। अब फिर गिट की हेल्प से इनके कर्नल के प्रोजेक्ट में काम शुरू हो गया। अब इनका काम अच्छा खासा हो गया, ठीक है। जब इनका ये प्रोजेक्ट अच्छा खासा हो गया तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ये जो गिट था ना, ये आपका ओपन सोर्स था, इन्होंने इसके सोर्स कोड एक कंपनी को असाइन किए। अब उस कंपनी ने किया क्या, उन्होंने इस कंपनी जो आपका गिट था इसके सोर्स कोड को उठाया और इसके साथ कई छोटे छोटे हजारों पैकेजेस को अटैच किया, और इन्होंने जो एक अब आपका एक टूल आया उसका नाम क्या है, गिटहब। यस, गिट गिटहब का ही अपडेट है, काम सेम है, बट अंतर क्या होगा,
जो आपका गिट होता है इसमें काम सिर्फ सी एल आई बेस होगा, इट मीन्स कमांड बेस होता है, लेकिन गिट हब में सेम काम आपका ग्राफिकल होगा, मतलब आपका GUI से होगा। बस इतना ही अंतर है। जब आगे ये कोर्स मैं आपको पढ़ाऊंगा तो ये आपको प्रॉपर अंडरस्टैंड हो जाएगा, बट अभी आप इतना अंडरस्टैंड कर लो कि गिट और गिट हब का काम सेम है, सिर्फ गिट में काम आपका सी एल आई से होता है और गिट हब में हमारा GUI से होता है। ठीक है जी। अब ये जो गिट हब था ये कब आया था? ये 7 अप्रैल 2005 में आया था, 7 अप्रैल 2005 में। ठीक है। अब ये गिटहब टूल इतना फेमस हो गया कि जो माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्ट कंपनी है ना, इसने इस टूल को खरीद लिया, इसने इसको एक्वायर किया, तो गिटहब आज इस कंपनी का प्रोडक्ट है। ठीक है जी। अब सवाल आता है कि आईटी इंडस्ट्री में जो हमारे वीसीएस हैं वो कौन कौन से हैं? क्या और भी कंपनियों के आते हैं? हाँ जी, और भी कंपनियों के आते हैं। कौन कौन से? एक आता है परफोर्स, ठीक है, परफोर्स। एक आता है जीएनयू बजाज, ठीक है। एक आता है आपका अपाचे सुपरविजन, और भी आते हैं। तो फिर इन पे काम होता है क्या? इन पे काम बहुत कम होता है इन द कंपेयर ऑफ गिट और गिटहब। ऐसा क्यों है? पहली चीज, गिट और आपका गिटहब फ्री ऑफ कॉस्ट है, इनका कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज होता ही नहीं है, तो कंपनियां इन पर अधिक काम इसलिए अधिक होता है क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, पहली चीज। और सेकंड चीज जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, गिट और गिट हब आपका डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। अब इधर एक वर्ड आया है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। अब ये होता क्या है, ये अभी हम लोग अगली जब हमारा अभी होगा ना क्लास, तब मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, ठीक है, बट ये इसका फीचर है। अच्छा, अब इसी टूल को अब अलग अलग क्लाउड कंपनियों ने भी एक्वायर किया हुआ है। अब एग्जांपल, जो अमेजोन का क्लाउड है, उन्होंने इसी टूल को अपने क्लाउड में एडजस्ट किया, और जी उधर इसको हम लोग कहते हैं कोड कमिट। ऐसे ही अलग अलग क्लाउड में यही सेम काम होगा। अगर आप गिट और गिट हब को अच्छे से पढ़ लोगे तो आप इन सब टूल को आसानी से इन पे काम आपका हो जाएगा। ठीक है जी। तो आज मैंने इस क्लास में पढ़ाया कि एक्चुअली में गिट और गिट हब होता क्या है, इनकी पूरी हिस्ट्री और इनका काम क्या होता है। आई होप कि अभी ये आपको प्रॉपर अंडरस्टैंड हो गया होगा और स्टेप बाय स्टेप अभी हम लोग इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। ठीक है जी। तो इस क्लास में इतना ही। ओके गाइस, ओके जी, थैंक यू सो मच।